नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक छोटा कंपनी के बारे में, एक पेनी स्टॉक के बारे में, क्योंकि पेनी स्टॉक अभी कंपनी नहीं था। एक टाइम कंपनी 100 रुपीज के भी ऊपर चल रहे थे, तो आज कंपनी अराउंड अराउंड 10 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो इस 100 रुपीज की जर्नी से डायरेक्ट 10 रुपया आने तक का जो जर्नी है, इसके पीछे जो लॉजिक कंपनी ने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कारण से कंपनी ने में इस तरीके से गिरावट हुआ है, वो कारण मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ इस कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चले कि हाँ, इस कंपनी के फ्यूचर क्या है और इस कंपनी फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जितने सारे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने सारे दोस्त अभी चैनल में नए आए हैं, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी है डिश टीवी, जिसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था आप सभी जानते हैं, जिसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जी थे। तो शाहरुख खान जी इस कंपनी ने जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, जब मार्केट में आए थे, तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट किए थे, और भी बहुत सारे लोग अभी भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो देखिए, मैं एक चीज आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि किसी भी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर को देखकर कभी भी निवेश मत करिएगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इस कमेंट को किया है कि सर, इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर इस स्टेट स्टार है, इस खेल मतलब एक प्लेयर्स है, तो क्या मैं इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं उसको कंपनी के बारे में आधी अधूरे इंफॉर्मेशन रहते हैं, कंपनी के बारे में कुछ मतलब इंफॉर्मेशन रहते हैं। उसके बाद उसको तो पैसे में वो सेटल हो जाता है, कितना पैसा उसको मिलेगा, कितना दिनों में इस यहाँ पे रहने के लिए। तो यही चीज मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी कंपनी के ऊपर कोई भी स्टार, मान लीजिए कोई भी क्रिकेटर, कोई भी मतलब कोई भी एथलेटिक्स उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है, ऐसे बिल्कुल भी सोचना मत। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा डिश टीवी के ऊपर, क्योंकि डिश टीवी आप सभी जानते हैं, एक एक टाइम डिश टीवी का बहुत डिमांड था, जब जो केबल्स है, केबल्स था मतलब केबल्स लाइन था और नहीं था। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो भारती एयरटेल अभी जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है, आप घर बैठे ही एक सेटअप बॉक्स के माध्यम से इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप टेलीविजन भी देख सकते हैं। तो एक एक माध्यम से आप इतने सारे चीज अगर आपको मिल जाए, तो आप दूसरे कंपनी को क्यों खरीदारी करेंगे? देखिए, डिश टीवी अभी मार्केट में देखा जाए तो डिश टीवी का देखिए मार्केट शेयर कितना था, 22.63% था, अभी 22.4% हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, कंपनी कंटिन्यूअसली हर साल की एंडिंग में इसका रिपोर्ट किया जाता है, इस साल कंपनी ने करीबन करीबन 0.37% का यहाँ पे टोटली कम किया है उसका मार्केट शेयर। देखिए, मार्केट शेयर जितना कम होते जाएंगे उतना ही कंपनी के लिए खतरा है, क्योंकि उसका जो कस्टमर है वो कस्टमर दिन के दिन घटते जाएंगे, तो उसका सेल डाउन होते चले जाएंगे। तो डिश टीवी आप नाम तो बहुत बार सुन चुके होंगे, आपके घर में शायद बहुत सारे लोगों के घर में भी अभी अभी है, तो मेरे घर में तो कभी भी नहीं था। हाँ, मेरे दोस्तों के घर में ऑब्वियसली है, तो फिर भी वो डिश टीवी अभी चेंज कर चुके हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स भी इशू फेस किया है, तो इसलिए डिश टीवी को चेंज किया। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी अगर सपोर्ट जो अच्छा खासा नहीं दे रहा है, कंपनी अगर आपको अच्छा खासा फायदा नहीं दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर टिके रहने से क्या फायदा? तो मेरे कहने का मेन मकसद जो है, जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद निवेश करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी के कुछ प्रोडक्ट देख के ही लोगों को लगता है चलो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, इस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा मतलब एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, तो लोगों के मन में थॉट प्रोसेस ये आ जाता है कि कंपनी अच्छा खासा है। तो बिल्कुल सोचना मत, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस के जो पैरामीटर है वो आपको फंडामेंटल और फाइनेंशियल रिपोर्ट में ही मिलेगा। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो पहले मैं कहूंगा कंपनी बहुत रिस्की कंपनी है, 2000 करोड़ की मार्केट कैप है, और भलाई कंपनी का 34% मार्केट शेयर है, फिर भी कंपनी का जो हालत है अभी बहुत मतलब उतना खास मुझे नहीं देखने को मिला, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस में जा रहा है। कंपनी का एनुअल इनकम 1800 करोड़ का, कंपनी का मार्केट कैप 200 करोड़ का, सॉरी 2000 करोड़ का, और कंपनी का मतलब लॉस हो रहा है 1800 करोड़ का। सोचिए कंपनी में कितना घाटा चल रहा है, और कंपनी का जो डेप्थ है कितना, 370 करोड़ का। आप कहेंगे सर डेप्थ तो कम है, बिल्कुल आपके बात भी सही है, चलो मान लेता हूँ डेप्थ कम है, फिर भी कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ क्या है, डाउन है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है, अच्छी बात है,
चलो कंपनी के अर्निंग पर शेयर क्या है, नेगेटिव है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो आपको नेगेटिव में दिखेगा, जो पैरामीटर्स आपको बता दे मतलब बताएगा कि इस कंपनी का अभी हालत और सिचुएशन किस लेवल में अभी चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस कुछ पैरामीटर्स आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो लीडर्स लीडर्स कंपनीज है, जैसे जी एंटरटेनमेंट है, सन टीवी, पीवीआर और साथ ही साथ आईनॉक्स है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है, तो इस तरीके से हाई यहाँ पे देखिए हैटवे केबल्स भी है, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है। उसके बाद जिसका नाम आ जाता है वो है डिश टीवी। तो डिश टीवी के आप मैं क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दूँ तो कुछ हालत आपको ऐसे दिखेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए कंपनी ने प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, यहाँ पे भी प्रॉफिट किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। देखिए आपके बात सही है, चलो मान लेता हूँ आपके बात सही है, मगर एक पॉइंट्स आपने नोटिस नहीं किया, जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। मार्च 2022, मार्च 2021 एंड मार्च 2020, इस तीनों साल तीनों क्वार्टर में सबसे ज़्यादा लॉस किया। क्यों कर रहा है वो एक्चुअली कंपनी बता पाएंगे। इस टाइम कंपनी का सबसे ज़्यादा लॉसेस हो रहा है क्योंकि इस टाइम शायद मुझे लगता है कंपनी का सर्विस बहुत कम दे पा रहे हैं, तो इसलिए कंपनी का लॉसेस हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे सिर्फ मार्च मंथ में ही, मतलब मार्च का जो क्वार्टर खत्म होते हैं, तो उस टाइम में ही कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए 70 करोड़, 80 करोड़, 9 करोड़, 50 करोड़ प्रॉफिट होने से क्या फ़ायदा है, एक बार में ही कंपनी ने 1400-1500 करोड़ का लॉस कर रहा है। अब साल भर की बात करूँ तो साल भर में आप देखेंगे तो बहुत बार कंपनी लॉस किया, बहुत बार, और कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है, करीबन 1400 करोड़ का, 1100 करोड़, 1600, 1700, 1800 करोड़ तक कंपनी ने लॉसेस किया। तो जो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर टिके रहने से क्या फायदा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी ने आपको रिटर्न जो दिया, रिटर्न तो कभी नहीं दिया, उल्टा आपका लॉस दिया, और वो भी देखिए 30%, 20%, 70% इस तरीके से। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो अभी फिलहाल का परफॉर्मेंस है, बहुत सारे लोग तो टॉप लेवल में, जब स्टॉक आफ्टर में था टॉप लेवल में कंपनी ने बाई करके रखे थे, आज तो वो बर्बाद हो गया क्योंकि कंपनी करीबन करीबन 90% से भी ज़्यादा लॉसेस कंपनी अभी दे रहा है। तो मेरे इस स्टॉक के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके ओपिनियन के हिसाब से अलग भी हो सकते हैं। तो आपके रिसर्च के हिसाब से कंपनी के ऊपर टिके रही है, बने रही है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आपको अच्छा दिखेगा, मगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ आपको टोटली डाउन है। जब कंपनी का सेल्स डाउन है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है वो तो आपको कंपनी बता पाएंगे। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो, हाथ में कैश तो आ रहा है, अच्छा खासा कैश आ रहा है, मगर उस कैश को कंपनी हाथ में नहीं रख पा रहा है क्योंकि कंपनी को इतना ज़्यादा कर्जा पे करना पड़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो रहा है, तो उस कैश को वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस बात को मैं आपको दिखा दूँ तो इंस्टीट्यूशन जैसे FIS के पास कितना 12% होल्डिंग था, अभी 10% है, DS के पास 5% था, अभी 26% है, और देखिए पब्लिक के पास 27% था, 58% है। तो पब्लिक सबसे ज़्यादा माल उठा के रखे हैं, तो आप कहेंगे सर DIFS ने भी तो माल उठाया ना, तो आपके पास सही है, मगर एक चीज़ अब देखेंगे तो प्रोमोटर के पास पहले कितना 55% होल्डिंग था, आज वो प्रोमोटर खुद ही वहाँ से माल बेचकर भाग गया, की बेच के भाग गया। मान के चलिए आप तो चलो कुछ अमाउंट्स लगाएंगे कंपनी के ऊपर, आपका लॉसेस हो जाता है तो चलो मानता हूँ, मगर कंपनी सारे के सारे पूंजी यहाँ पे लगा देंगे, तो मतलब लगा के रखे थे जिसका प्रोमोटर होते हैं, जिसका खुद का जो कंपनी होते हैं, तो वो कंपनी को बचाने के लिए वो हर कोशिश करेगा, तब वो कंपनी को बेचेगा, तब उस कंपनी का शेयर बेचेगा, जब उसको भरोसा ही टूट जाए कि इस कंपनी में फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं है, तब वो कंपनी को बेचेगा। तो यही हालत हो गया, जो सितंबर 2019 में कंपनी का 55% होल्डिंग था, आज वो गिरते गिरते 4% होल्डिंग टिके हुए है प्रोमोटर के पास। तो मेरे कहने का मतलब है किसी न किसी ने तो माल तो उठाया है, तो इसलिए आप देखेंगे तो FIS ने सबसे ज़्यादा माल उठाया है इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, और पब्लिक ने तो धमाका कर दिया, 27% होल्डिंग था, अभी करीबन करीबन 60% के आसपास होल्डिंग मतलब पब्लिक ने यहाँ पे बना के रखे है। तो मेरे कहने का लास्ट में एक बात ही कहूँगा, कंपनी के चार्ट पैटर्न को दिखाकर, कंपनी अच्छा खासा ट्रेंड तो था, अच्छा खासा ट्रेंड था, करीबन करीबन 120 रुपीज के आसपास गया था, मैं इस लेवल में जितने सारे दोस्त ने खरीद के रखे थे, आज तो वो टोटली बर्बाद हो गया क्योंकि 90% से भी ज़्यादा कंपनी के ऊपर लॉसेस वो झेल रहा है, क्योंकि कंपनी गिरते गिरते आज 10 रुपीज के आसपास कंपनी चल रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बिग क्रॉस लगाने वाला हूँ, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से, आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं, तो आपके ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के इंतजार करूंगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है, मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।